यूक्रेन युद्ध के बीच रूस से बड़ी खबर आ रही है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बदला है अपना रक्षा मंत्री। रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु को पद से हटा दिया गया है। रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव बनाए गए हैं अब शोइगु। आंद्रेई दलाउसोव अब होंगे रूस के नए रक्षा मंत्री। और देखिए एक और बड़ी खबर, नायपर नदी के पास रूस ने BM-21 से हमला किया। रॉकेट लॉन्चर से हमले में यूक्रेन को बड़ा नुकसान हुआ है। रूसी हमले में 10 यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर। हमले में यूक्रेन के 2 सैन्य वाहन भी तबाह हो गए। यूक्रेन के विनाशक हमलों से रूस के 10 शहर अग्नि में झुलस रहे हैं। यूक्रेन ने रूस पर इस साल के सबसे प्रचंड हमले किए हैं। ज़ेलेंस्की सेना के ऑपरेशन मई में रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। बेलगोरोड में 300 से ज्यादा अपार्टमेंट ध्वस्त हो चुके हैं और अवदिवका में रूस का 1 सुखोई फाइटर जेट भी गिरा दिया गया है। यह पूरा ऑपरेशन अमेरिका से मिले हथियारों से अंजाम दिया गया। अब अमेरिका यूक्रेन को क्लस्टर बम रॉकेट में भी ट्रांसफर करने वाला है। इसके साथ ही रूस ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका का यह कदम सिर्फ यूक्रेन के लिए ही नहीं बल्कि यूरोप के लिए विध्वंसक साबित हो सकता है। रूसी धरती पर ATACMS मिसाइलें बरस रही हैं। रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्रों पर हाईमार्स रॉकेट फट रहे हैं। रूसी शहरों के बड़े बड़े वेयरहाउस अग्निकुंड बन चुके हैं। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के सूमी और खार्कीव का प्रतिशोध शुरू कर दिया है और उसका नतीजा है कि रूस के कब्जे वाले यूक्रेन के भूभाग और रूसी शहरों पर बारूद बरस रहा है। डोनेस्क में यूक्रेन के हमले जारी है और कई इलाकों पर रॉकेटों की बरसात हो रही है। लुहांस्क में यूक्रेन की मिसाइलें तबाही बनकर पहुंच रही हैं। बेलगोरोद पर यूक्रेन ने हमले करके शहर के 300 से ज्यादा घरों को ध्वस्त कर दिया है। रोस्तोव में यूक्रेनी सेना ने ओरलोव का एक ऑयल टैंकर फील्ड नष्ट कर दिया। अमेरिका से हथियारों की नई खेप इसी हफ्ते यूक्रेन पहुंची और अब युद्ध में उनका विनाशक असर साफ नजर आने लगा है। जोरदार धमाके की ये तस्वीरें रूस के कब्जे वाले डोनेस्क से आई हैं। ये धमाका उस वक्त हुआ जब एक स्थानीय पत्रकार वहां रिपोर्टिंग कर रही थी। इस धमाके के साथ ही अफरा तफरी मच गई। यूक्रेनी सेना ने यह हमला डोनेस्क के एक रेस्टोरेंट पर किया और हमले में 3 लोगों की मौत हो गई। ग्यारह मई की दोपहर को जिस रेस्टोरेंट पर यूक्रेन ने हमला किया उसकी हालत कुछ ऐसी हो गई। रेस्टोरेंट का एक बड़ा हिस्सा धमाके से नष्ट हो गया और चारों ओर तबाही मच गई। इसी तरह रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्र लुहांस्क पर भी यूक्रेन ने रॉकेट हमले किए। यूक्रेन ने लुहांस्क में बनाए गए रूस के ऑयल डिपो को टारगेट किया और धमाके के बाद ऑयल डिपो में आग लग गई। यूक्रेन के हमलों से सबसे ज्यादा बुरे हाल में रूस का शहर बेलगोरोद है। 12 मई की सुबह करीब 11:30 बजे यूक्रेनी सेना ने बेलगोरोद की एक इमारत पर ATACMS मिसाइल से हमला किया। यह हमला कितना जबरदस्त था इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। यूक्रेन के इस मिसाइल हमले में अपार्टमेंट के बीच का हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया। अपार्टमेंट बिल्डिंग बीच से टूट गई। रूसी मीडिया के मुताबिक इस हमले में 7 लोग जख्मी हुए।
12 मई के हमलों से पूरा बेलगोरोद धधक रहा है। बेलगोरोद के कई इलाकों में यूक्रेन ने मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन हमले किए हैं। रूस के बेलगोरोद की सड़कों पर जगह जगह आग लगी है। कहीं सड़क पर खड़ी गाड़ियां जल रही हैं तो कहीं इमारतों में आग लगी है। बेलगोरोद में जगह जगह तबाही के निशान नजर आ रहे हैं। यूक्रेन ने ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर रूस के सीमाई शहरों क्रास्नोदार, बेलगोरोद और वोल्गोग्राद सहित मॉस्को तक हमले शुरू कर दिए हैं और इन हमलों में जो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं वो अमेरिका से मिले। तो यूक्रेन ने रूसी जमीन पर हमलों के लिए ATACMS मिसाइल का इस्तेमाल किया। ये सरफेस टू एयर टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। अमेरिका ने मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को दिए हैं। इन मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर तक है। दूसरा विनाशक हथियार इस्तेमाल किया गया है, हाइमार्स। ये एक मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। ये सिस्टम भी यूक्रेन को अमेरिका से मिले हैं। इससे लॉन्च होने वाले रॉकेट की रेंज 25 किलोमीटर तक है। यूक्रेन ने कामकाजी ड्रोन यूजे एयरबॉर्न से भी हमला किया है। ये यूक्रेन में भी विकसित किया गया है। UJ-22 20 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जा सकता है और 800 किलोमीटर दूर तक हमले कर सकता है। इसी सीरीज के दूसरा ड्रोन है UJ-25 स्काईलाइन से भी हमला किया गया। ये ड्रोन भी यूक्रेन में ही बना है। स्काईलाइन ड्रोन 25 किलोग्राम तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है और 850 किलोमीटर की रेंज में हमले कर सकता है। बड़ी खबर यह है कि अब यूक्रेन को अमेरिका से हाइमार्स M270 MLRS मिलने वाला है। यह गाइडेड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम होता है। इसके लॉन्चर में 6 रॉकेट लगे होते हैं, लेकिन अपग्रेडेड वर्जन का हर रॉकेट क्लस्टर बम है। यानी हर रॉकेट से यूक्रेन एक साथ 20 से ज्यादा विस्फोट कर सकता है। यूक्रेन के मुताबिक अमेरिका कीव को 1,00,000 रॉकेट दे सकता है। यूक्रेन ने इन विनाशक हथियारों से युद्ध को रूस की जमीन पर शिफ्ट कर दिया है। यूक्रेनी कब्जे वाले क्षेत्रों से लेकर रूस की राजधानी तक यूक्रेन के हमले हो रहे हैं। राजधानी मॉस्को के एक बड़े वेयरहाउस में आग लग गई और दावा है कि इस आगजनी के पीछे यूक्रेन के एजेंट हैं। यूक्रेन ने वोल्गोग्राद में भी रूस पर जोरदार हमला किया। यूक्रेनी सेना ने कामिकाजी ड्रोन से रूसी शहर वोल्गोग्राद की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया। ड्रोन विस्फोट के बाद पेट्रोलियम टैंकों में आग लग गई। यूक्रेन ने रूस के वोल्गोग्राद में ऑयल रिफाइनरी ध्वस्त कर दी। मॉस्को में एक गोदाम में आग लगा दी। रोस्तोव में एक पावर स्टेशन पर हमला किया है। यूक्रेन के हमले से बेलगोरोद में 300 अपार्टमेंट को नुकसान पहुंचा है। रूस ने ब्रियांस्क, वोल्गोग्राद और लिपेत्स्क क्षेत्रों में 6 ड्रोन हमले नाकाम कर दिए। अब अमेरिका हाईमार्स रॉकेट का नया स्वरूप यानी क्लस्टर रॉकेट भेज रहा है और ये तय है कि अब जितना नुकसान हो रहा है रूस को उससे कहीं ज्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। अगर इसी तरह अमेरिकी हथियारों से रूस पर हमले होते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब पुतिन के पास परमाणु हमला ही अंतिम विकल्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।